Hey guys, welcome back. Welcome to Vedantu's Jay channel. This is me, your Suri sir, also known as Mogambo on this channel. तो guys, आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ अबाउट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर जेई प्रेपरेशन. इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए कि इन जनरल किसी भी चीज़ को जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, तो देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट वी फील नॉट एट आर बेस्ट. एंड वेन वी स्पेसिफिकली स्पीक अबाउट स्टडीज, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू गो थ्रू दिस स्टेट. यू फील स्ट्रेसफुल वेन यू आर स्टडिंग, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग, यू आर नॉट इन्जॉइंग वॉट यू आर स्टडिंग, यू गेट फ्रीक्वेंटली बोर्ड, और मे बी यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी विद द वे यू आर स्टडिंग, राइट गाइज? ऐसा बहुत बार होता है. ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टडीज़ को इन्जॉयबल बना सकते हैं और किस तरह से हम आगे फ्यूचर में किसी भी एजुकेशन के एस्पेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हुए कैसे सीख सकते हैं. ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वी आर गोइंग टू क्रैक दिस कोड टुडे इटसेल्फ. ओके, तो अगर यूट्यूब चैनल पे पहली बार हो, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ. दिस इज वेदांतुस जेई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट वेन एवर मोगाम्बो कम्स लाइव यू गेट द नोटिफिकेशन. ओके पीपल, सो वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस सिचुएशन दैट वी ऑल गो थ्रू वेन वी आर इन द स्टेट ऑफ स्टडीज, राइट? तो समझते हैं कि आखिर हमें स्टडीज बोरिंग लगती क्यों है, राइट? जबकि सब्जेक्ट्स तो हमने खुद चूज किए हैं, बट स्टिल वाई डू वी फील प्रेपरेशन ऑफ जेई और प्रीवियस स्टडीज दैट वी हैव डन, हम बहुत बार स्टडीज को एंजॉय क्यों नहीं कर रहे होते हैं? सो वाई दिस हैपन्स? कैन आई से दैट हम लोग बचपन से, जब से पढ़ रहे हैं, आर इंटायर एम इन स्टडीज इन स्कूल हैज ऑलवेज बीन मार्क्स ओरिएंटेड. हमें हमेशा से ओरिएंटेशन ही ये मिला है कि हमें क्लास में अच्छा स्कोर करना है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं. जेई भी हम इसीलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम अच्छे मार्क्स लेकर के आ सके. मीन्स वॉट? आर मेन ऑब्जेक्टिव इन स्टडीज इज टू स्कोर एज मच एज वी कैन, राइट और नॉट? पढ़ते समय हम ज्यादातर समय हमारे रिजल्ट्स के बारे में ही सोच रहे होते हैं. वी आर एक्चुअली नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द वे वी आर स्टडिंग, बट रादर हमारे रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, हम उसके बारे में ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं. यस और नो गाइस? तो हम ये भी भूल जाते हैं कि आर वी एक्चुअली इंजॉइंग द प्रोसेस, आर वी एक्चुअली लर्निंग समथिंग और नॉट, बट वॉट इज ऑलवेज इन आर बैक ऑफ आर माइंड वेन एवर एनी टेस्ट इज हैपनिंग. इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स वेदांतु से जुड़े हैं, जो स्टूडेंट्स कहीं भी और सीख रहे हैं, वेन एवर एनी एग्जाम इज हैपनिंग इन द क्लासेज ऑल्सो, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने भले ही पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है. हमारा एंटायर एजुकेशन सिस्टम, कैन आई से दैट इज बेस्ड अपॉन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट? अगर हम अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, राइट? 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन के बाद में पेरेंट्स ने भी प्रॉमिस किया था, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट अ स्मार्टफोन फॉर योर सेल्फ. और अगर बहुत बार, बाई एनी चांस, इफ दिस हैज हैपन टू एनी वन, अगर हमने एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता है, तो कभी कभी हमें पनिशमेंट भी मिली हो सकती है, राइट गाइज? सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सर्वाइवल मोड में ही एक्टिवेटेड रहते हैं. सर्वाइवल मोड मतलब जो अभी पूरे दुनिया की हालत है, द एंटायर वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना एंड राइट नाउ वी आर नॉट लिविंग आर नॉर्मल लाइफ, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सर्वाइव. या सो दैट्स वॉट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, यू नो, दिस हैपन्स टू देम. दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू जस्ट गो टू द पासिंग मार्क्स और सर्वाइव कर रहे हैं. ओके, एसोसिएटिंग लर्निंग टू द कम टू कम्पीटिंग विद अदर्स. यस गाइस, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सीखने का जो ग्राफ है वो एब्सोल्यूट है हमारे लिए, ना कि हमारे क्लास के दूसरे स्टूडेंट से रिलेटेड है. आई अग्री जेई टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस आर रिलेटिव, बट ट्रस्ट मी द लर्निंग इज टोटली योर्स. आप जो भी सीखोगे वो आप ही को काम में आएगा, इसीलिए वो चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अनहैप्पी होने का वन ऑफ द रीजन्स इज कि हम दूसरों से कंपीट करने के बारे में पहले सोचते हैं, सीखने से भी पहले. ओके, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिस स्पीड से ग्रास्प कर रहे होते हैं उस पे ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस हमें झेलने पड़ते हैं. आई शुड से बहुत बार हमें बोला जाता है कि यू शुड ट्राई टू इंक्रीज योर ग्रास्पिंग पावर, सम पीपल विल सजेस्ट यू टू ईट आलमंड्स और डू मल्टीपल थिंग्स विच विल इंक्रीज योर मेमोरी बूस्टर. देर आर सो मेनी एनर्जी ड्रिंक्स विच आर आउट देयर विच आर डूइंग देयर मार्केटिंग ओनली टू केटर दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो दैट यू कैन इंक्रीज योर
learning power, you can increase your grasping power, right guys? This happens. Lack of complete concentration and interest. बहुत बार हम बैठे तो होते हैं किताबें खोल के, लेकिन हमारा दिमाग चल रहा होता है पबजी के गेम में, या फिर हमारा दिमाग चल रहा होता है उस क्रिकेट के मैच में या फुटबॉल के मैच में जो पैरेलली चल रहा होता है लाइफ, राइट गाइस? दिस हैपन्स अ लॉट. सो वी आर नॉट इन द कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन एंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. लैक ऑफ क्लियर कट गोल्स, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्यों हम इंजॉय नहीं करते हैं स्टडीज? क्योंकि हमारा जो प्रेपरेशन मोड है दैट इज एक्चुअली नॉट एसोसिएटेड टू एनी गोल्स. ये तो जेई की प्रिपरेशन है जहाँ पे हमने मे बी एक गोल लिया है कि हमें जेई क्रैक करना है, बट हमारा गोल होना चाहिए कि हमें किस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, राइट और नॉट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से इज द लैक ऑफ क्यूरियोसिटी एंड प्लेफुलनेस. ये बहुत बड़ा रीज़न है. इनफैक्ट अगर आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, तो वहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा यू नो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है उस मूवी में. इनफैक्ट थ्री इडियट्स इज ऑल्सो अनदर मूवी दैट यू माइट हैव सीन, जहाँ पे हमने ये देखा कि चीज़ों को हम अगर क्यूरियोसिटी के साथ में और इन्जॉय करते हुए नहीं पढ़ते हैं तो वी आर एक्चुअली नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, राइट? देन वी आर जस्ट लाइक दैट लॉयन ऑफ अ सर्कस जिसे हंटर के डर से सिखाया जाता है, राइट? तो गाइज आई अंडरस्टैंड एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम जिस मोड में अब तक पढ़ रहे थे प्रिसाइसली जो मैंने बताया, इट इज़ सर्वाइवल मोड. वी हैव नॉट बीन स्टडिंग, मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट बीन स्टडिंग टू लर्न, वी हैव बीन स्टडिंग टू स्कोर. ओके, नाउ वॉट इफ आई से दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी, इनफैक्ट देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यू कैन इंजॉय वाइल यू आर लर्निंग. येस गाइस, यू नो डीप डाउन कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते समय उसे इंजॉय भी कर सकते हैं. इनफैक्ट दिस मस्ट हैव हैपन्ड इन प्रीवियस 10 or 11 years कि कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई एक ऐसा चैप्टर आया होगा किसी सब्जेक्ट में जिसे पढ़ते समय आपको बिल्कुल एफर्टलेस लगा होगा, राइट? यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन द मोस्ट एफर्टलेस वे. सो जस्ट थिंक अबाउट दैट सब्जेक्ट, जस्ट थिंक अबाउट दैट टॉपिक दैट यू मस्ट हैव स्टडीड, और उसे पढ़ते समय आपको बिल्कुल ये लगा ही नहीं कि यू आर स्टडिंग, यू फेल्ट लाइक यू आर प्लेइंग योर फेवरेट स्पोर्ट. सो एग्जैक्टली वो मोड हमें एक्टिवेट करना है फॉर आर सेल्फ, सो दैट विच एवर सब्जेक्ट विच एवर टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग वी गेट इन टू द प्लेफुलनेस मोड एंड वी स्टार्ट इंजॉइंग इट एंड लर्निंग बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट. ओके, सो इफ आई टेल यू द सीक्रेट ऑफ दिस इज वेरी सिंपल एंड आई विल कॉल इट द फ्लो स्टेट. Sounds new, sounds abstract, and it is. If you talk about the literal meaning, it sounds abstract, but I'm going to explain you that how flow state can help you improve your own performance and more than that, to make you enjoy your own studies. Just as an example, that what happens and how people are when they are in flow. Can I say that if you have seen any musician or any dancer performing, जब वो perform कर रहे होते हैं they are actually careless at that point of time. They do not even think about what is happening in the surrounding. They are totally involved in themselves because they are in flow. Think of people who are into martial arts. You must have seen that movie Kung Fu Panda. जो मेन प्रोटैगनिस्ट है पू, उसको खुद अपना सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है उसके बाद में ही इज टोटली इन टू हिमसेल्फ, ही रिसीव्स इनर पीस, राइट? इनफैक्ट इफ यू लुक एट द माउंटेन क्लाइंबर ऑन द लेफ्ट साइड, कैन आई से दैट माउंटेन क्लाइंबर उस सिचुएशन में है जहाँ पे उसे पूरा कॉन्सेंट्रेशन माउंटेन क्लाइंबिंग पे ही लगाना ज़रूरी है. और ज़रूरी ही नहीं, बिकॉज that person has chosen to do that, the entire focus and the control is in the present moment. And both these situations are also telling you that the people are only thinking about their present, not about their past, not about their future. They are totally in the present moment because they are in flow. Similarly, a scientist, when they are discovering something, when they are doing their research, वो ये भी भूल जाते हैं कि वो दिन में हैं अपने लैबोरेटरी के अंदर या रात में हैं अपने लैबोरेटरी के अंदर. They are totally into, engrossed so much into their research work, the subject which they learn, or the field that they are
trying to discover that they are totally, totally into their flow. And sabse best example is actually we ourselves, like children who are playing, and when we play, हमें टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता है. स्पेशली द स्पोर्ट्स दैट यू लव टू प्ले. बहुत बार हमें हमारे पेरेंट्स बुलाने के लिए आते हैं. मुझे याद है कि मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड तक लेने के लिए आते थे कि बेटा नाउ यू हैव प्लेड अ लॉट, लेट्स गो बैक होम. राइट गाइज, बिकॉज यू गाइज गेट इन टू अ फ्लो. राइट, सिमिलरली देर कुड बी मल्टीपल एग्जाम्पल, पीपल हु एंजॉय नेचर, पीपल हु डू मेडिटेशन, दे आर टोटली इन देयर ओन फ्लो. ओके, नाउ if I try to give it in words that how does it feel when one is in flow state, so I should rather say that when you are in this flow state, jo single statement before even I tell you how does it feel, I should say that when you are in that flow state, you are performing as if nobody is watching you. Yes guys. So all those examples that you saw, those were people who were there in their own flow, and they were actually careless about the fact that people might be watching them, especially the performers. So exactly वैसा ही flow state में हमें feel होना चाहिए, that we become careless about the surroundings, we don't actually take pressure of our surroundings, and we perform as if nobody is around us, and we are in our own flow, whatever is that we are doing. Okay. Now, to put it in words, when we are in flow states, so in the flow state, you will be, you know, super intensely concentrated on the task which is there in your hand. You will have your utmost concentration on the task which is in your hand. You will not be thinking about anything else. Think of that mountain climber. Your mind and body completely in the present time. Again, think of that mountain climber again. So, uski jo situation hai, uska mind or body totally synced hai. Exactly वैसा ही सोचो, you and your physics book, and you are reading a question from rotation motion, and you are solving it without even thinking about what is happening outside your room, what is happening in this world, is there outside corona or not, you don't think about that anything, your mind and body are completely synchronized. You, exactly as I said, you have lost the sense of surroundings when you are in the flow state, and your awareness and your action merge together, as I said, means your body and your mind, they are so engrossed into each other that you, your body, your inner soul itself is driving your entire process. You feel sense of control over the task at hand. Yes. Means what? It's not the situation which is driving you, it is you who's driving the situation. Whichever problem that you are solving, whichever topic that you are starting, you start feeling like dots are getting connected by themselves. This is how it feels when we are in the flow state. You lose the track of time. That's a very important thing, and I'm sure you will be able to relate to this. Think of you playing your favorite sport. You will lose the track of time. Exactly that's how it feels in the flow state. And yes, you feel immense satisfaction and happiness from within. Right, guys? So, in points ko connect karne ke liye, do not think of you as studying, think of you doing something that you love to do, and then read all these points. I'm sure you'll be able to connect to the points that I'm trying to convey to you people. Right guys, now all I have to tell you graphically this situation, try and understand this guys. If we look at this part of the graph which is red, in that zone on x-axis what you see is your skills, and on y-axis what you see are your challenges. So if we are in the red zone, that is anxiety, which says that you are facing more challenges and you have less skill of that task. That means what? Think of somebody who doesn't know how to drive a car, aur use pehle hi din hum logon ne ek bahut hi bada sa truck de diya hai aur use bola hai us truck mein baitho aur highway pe usko drive karna hai aapko, to uske paas koi skills nahi hai aur bahut bada challenge uske samne hai. So what will be the situation of that person? He'll be very anxious, right? So obviously uska performance bahut acha nahi hoga. Think of the other part of the graph, that is boredom. Us graph ke according, ya us part of graph ke according, you are highly skilled in a task, but you have very less amount of challenge. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब आप जितने बड़े हो चुके हो, इफ़ यू नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, अगर मैं आपको बाईसाइकिल चलाने के लिए बोलता हूँ दैट टू
इन अ ओपन ग्राउंड देन इट विल बी नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टू डू. और अदर उससे भी ज़्यादा ईजी तरीका समझने के लिए दैट नाउ यू आर स्किल्ड टू एटलीस्ट 11th और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. और अब मैं अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड के बेसिक से कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देता हूँ तो यू हैव हाई लेवल ऑफ स्किल्स फॉर दैट बट यू विल डेफिनेटली फील वेरी लेस चैलेंज. सो यू विल नॉट इन्जॉय स्टडिंग दैट ऑल्सो, यू विल नॉट इन्जॉय डूइंग दैट टास्क ऑल्सो, सो इट विल मेक यू बोर्ड. सो द y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ विच गोज इन द फ्लो चैनल इज बेसिकली वेयर यू वॉन्ट टू बी एट द टॉप ऑफ दैट लाइन. You should be there where you have appropriate amount of skill and you have appropriate amount of challenge imposed or you are facing that, so that it is driving you to perform better, right? So if you are say trying to learn to how to drive a car, there has to be appropriate amount of skill set that you are learning with and then appropriate amount of challenge coming in front of you. Matlab dheere 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 aap pehle एक एक पार्ट ऑफ दैट कार को सीख रहे हो और उसके बाद में धीरे 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 आप उसे रोड पे चला रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड देन इवेंचुअली फ्रॉम अ लोकल ग्राउंड टू अ लोकल स्ट्रीट टू अ लोकल रोड टू द हाईवे यू विल गो. सो स्लोली एंड स्टेडली व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दैट प्रोसेस, इफ यू फॉलो दैट, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट दैट फ्लो चैनल. सो इन दैट फ्लो चैनल गाइस, द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू शुड बी फेसिंग adequate amount of challenge with adequate amount of skill set developed in that process. And trust me, if that matches, if that synchronization happens, you will get into the state of flow. Only thing is, you have to set a goal for yourself. Ye maine pehle bhi bahut baar bola hai, especially with respect to JEE. If I tell you all you have to do is set your reason correctly that why do you want to prepare for JEE examination. आपको आपका रीजन क्लियर होना चाहिए. आर यू प्रिपेयरिंग बिकॉज यू हैव सर्टेन अदर एजेंडास टू टेक केयर ऑफ? इट कुड बी टू गेट योरसेल्फ अ बेटर लाइफस्टाइल, इट कुड बी टू गेट इनटू एन अब्रॉड यूनिवर्सिटी टू स्टडी, इट कुड बी टू लेटर ऑन डू एमबीए एंड बिकम अ वेरी यू नो हाई पेइंग पर्सन, इट कुड बी द ड्रीम कुड बी टू गेट इनटू अ सिविल सर्विसेज, इट कुड बी एनीथिंग which is of your choice, but there has to be a goal. Okay, so with respect to your JEE, please set a goal for yourself and it has to be given by you to yourself. It should not be somebody telling you that this should be a goal. It should be you who's deciding that why are you trying to prepare for JEE examination. Okay, now how do you get into the flow state when you are decided with your goal? All you have to do is, as I said, set your goals clear. After that, set up your study table. Means what? Getting to the practical part of it. जो भी आपका स्टडी रूम है वहां पे, जो भी आपका स्टडी एरिया है, प्लीज सेट इट अप प्रॉपरली, क्लियरली, नीटली. आफ्टर दैट प्रैक्टिकली अगेन चूज द मटेरियल विच इज अप्रोप्रिएट. एज आई सेड, इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ चैलेंज, इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ योर स्किल सेट. सो डू नॉट चूज वेरी इजी बुक, डू नॉट चूज वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक. चूज समथिंग विच इज अप्रोप्रिएट टू योर लेवल एंड देन बिगिन फ्रॉम देयर. आफ्टर दैट try to be in that part of your house where you are actually not getting distracted from anyone in the family, from outside or anything. Just let go of all the types of wandering in your mind as well. Means what? Dimag mein jo bhi cheeze aati hai, for a moment try to get rid of that. Okay, in fact sometimes when this happens, meditation also helps you. Agar aap bahut zyada difficulty face kar rahe ho, to just close your mind before you starting to solve problems, starting to study, close your mind, try to get into the thoughtlessness state, try some meditation. Okay, next, once you have achieved that position where now you are not thinking about past, not you are thinking about your future, you are just in the present moment, this is where now you have your absolute attention and all you need now is actually to just concentrate on the present book, present page, present problem that you are solving. Okay, try to just be there in the question, try to read the question properly, try to visualize it properly, try to get curious about what the question is trying to tell you and how exactly the question has been framed or how that concept has been explained. Trust me, this process will bring a sense of ease and playfulness in itself. Okay, and then what? Enjoy the ride and feel the happiness, and that's what happens.
Because when you will start taking curiously the interest in that particular topic, and how will you be doing that is because you are free from any distraction, you have your utmost concentration there, so you will start getting the curiosity that you deserve and you need, and eventually you will start understanding that concept that you were trying to learn, not because it is in JE syllabus, is because you have attained a state where you are curious and you want to learn it and you will enjoy it. Okay, in fact, if you remember in one of the videos where we talked about Sir Richard Feynman, he told us, a quote was shared by me over there, that almost everything in this world is interesting. It is just that we have to dig a bit deeper inside, and this is where we are digging it deeper, and we will eventually find our, you know, the happy spot, and we will be able to enjoy whatever we are learning. Okay, and finally, what? When you are finishing your work, you will find yourself washed away with the wave of inner happiness. That's what happens actually. I'll tell you relatably, whenever you are solving a question from the topic that you understand very well, you may come across a question which is very challenging, but because you know that you are good at that particular topic, you will strive harder, and at that point of time, even if your parents are calling you for dinner or lunch, you will not go for it. You will say that I have to solve this question first. Main pehle ye question solve karunga, uske baad mein hi main kuch khaunga. And that is why you will eventually be able to solve the question, because you have utmost concentration, and when you are done, you will raise your fist pump and you will say, yes, I have solved this question. And that is where you achieve that state, which I say is the state of flow, and that you have achieved the state of happiness with that. Yes or no, guys? So all I can say, if you have now understood what it means to be in the state of flow, then trust me, guys, it's easier to bring your own concentration towards the task which is in your hand. Just remember, you have to set your goal. If it is JE, if it is engineering, if it is NEET, if it is medical, just ask yourself why you want to do it. If you get the answer for yourself, from there, just follow the steps that I have told you here and get back to me in the comment section and tell me if it is working or not. Are you finding your own concentration, absolute concentration, or not? The moment you will find it, the day you will find it, trust me, you will get curious about what you are learning. And once you become curious, you will start getting that flow and the interest towards what you are learning. Okay, so choice is yours. Go forward, enjoy this process. You have ample amount of time. You have your entire life. You have many examinations in future to appear for. Just try this process. If you master this, trust me, you will never need anyone else to motivate you ever. Okay? But yes, there are some of my students who are going to write their examination next month. They do not have much of their time. So guys, all my 2020 JE aspirants, for you people, we have something which will help you achieve your goal in the short run for the JE examination 2020. The crash course batch is starting from this Monday, 10th of August. If you missed out on any of the previous batches, agar aap abhi bhi join karna chahte ho, to 10th of August se naya batch shuru ho raha hai. You are going to get absolutely everything that you need for your last round of preparation. Do join it. Do take the advantage. All you have to do is go on this link, vdnt.in/JECCE. और वहां क्लिक करने के बाद में जस्ट यूज दिस कूपन कोड SMCC एंड देन एनरोल. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन बाय द लास्ट बूस्ट दैट यू नीड फॉर योर JEE प्रिपरेशंस लास्ट लैप. ओके, एंड फॉर पीपल हु आर अपियरिंग फॉर 2021 एंड 2022 एग्जामिनेशन, दे आर गोइंग टू इन फ्यूचर, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. इफ यू आर स्टिल नॉट ऑन द टेलीग्राम चैनल, you can join it free of cost by following this link which is available in the description. Do follow that and join the Telegram channel. Okay guys, so I hope you enjoyed this video. If you did, then definitely I want you people to show that to me by clicking on the like button. Also tell your friends, your family members, younger kids, elder people, anybody whom you think can take advantage of this, share with them. And also subscribe to the channel if you have not, and press the bell icon so that whenever such motivational videos, such technique videos are coming, along with all the things that I'm doing on this channel, you'll get the notification. So see you soon, very soon again, with something
different, something more exciting. I'll see you soon, guys. Take care. Bye-bye.